साथियों नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई फ्लाइट से रिलेटेड। हालांकि वीडियो में डोमेस्टिक फ्लाइट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें भी आपको इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरा देखिए। अरे भाई, आप इंडिया दूसरी कंट्रियों से इंडिया आओगे तो पैसे वाले लोग भी तो आएंगे ना। जैसे बॉम्बे उतार दिया तो बंदा फ्लाइट लेके तो अपने घर पहुँच सकता है, जैसे स्टेट के पास मान लीजिए, तो डोमेस्टिक फ्लाइट भी आपके काम आने वाली है यार। ज़्यादा किराया नहीं है इनका, पूरी डिटेल से बता देता हूँ। इसी में से इंटरनेशनल फ्लाइट भी निकलने की पूरी पूरी संभावना है। पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इंफॉर्मेशन यहां पे मिलती रहे। तो भाई देखिए, मैं बता दूं, आज हमारे उड़ीयन मंत्री हैं हरदीप सिंह, उन्होंने घोषणा कर दी है 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइट स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में, जिनको सात चरणों में बांटा गया है किराए के हिसाब से। और मैं बता दूं, लगभग 8,500 फ्लाइटों का संचालन होगा। जी हां साथियों, 8,428 फ्लाइटें इन 7 दिनों में, यानी ये जो फेस्ट बनाया है शेड्यूल, इसमें उड़ान भरेंगी। डिटेल से बता देता हूँ मैं किराए से रिलेटेड, फिर अपन इंटरनेशनल पे बात करेंगे। हमारे जो DGCA है, एयर विभाग का विभाग है, उन्होंने घोषणा कर दी है साथियों, 7 विभागों में बांटा है किराए से रिलेटेड। ये किराया साथियों गवर्नमेंट ने 3 महीने के लिए निर्धारित कर दिया। यह होता क्या है कि जैसे फ्लाइटें कम चलेंगी, पूरा एक तिहाई फ्लाइट ही चल रही है, ज़्यादा पूरा नहीं है प्रोसेस, एक तिहाई फ्लाइट चल रही है, 4 में से 3 तिहाई, इनको देख के आगे जैसे ये शेड्यूल 7-8 दिन में इतना कैसे क्या ग्रोथ करता है, 30 मई तक उसके बाद में आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो एक तिहाई फ्लाइट चलेंगी तो क्या होता है, फिर किराया आपको पता है ये बढ़ाए बिना नहीं रहेंगे फ्लाइट वाले। तो गवर्नमेंट ने पहले इनको कंट्रोल करके फ्लाइट पे लगाम किराए पे लगा दी है कि आप इनसे ज़्यादा किराया नहीं ले सकते। मैं बता दूं साथियों, 40 मिनट तक का जो हवाई जहाज का जो सफ़र रहेगा, वो 2,000 से 6,000 तक का उसका किराया पड़ सकता है, यानी 40 मिनट। आगे है जो 40 मिनट से लेके 60 मिनट इसका जो किराया रहेगा, ये मैं बता दूं 2,500 से लेके 7,500, यानी 7,500 तक का इसका किराया रहेगा, 2,500 से 7,500। आगे है साथियों, जो 60 मिनट से 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का जो सफ़र रहेगा जिसका भी, उसका किराया साथियों 3,000 से लेके 9,000 तक के बीच में रहेगा, इससे ज़्यादा किराया प्लेन नहीं ले सकती। आगे है साथियों, 150 मिनट से 180 मिनट तक का जो फ्लाइट है, यानी 3 घंटे तक का जो फ्लाइट है, जो सफ़र रहेगा, उसका साथियों किराया रहेगा 5,500 से लेके 15,700 तक। साथियों ये फ्लाइट शेड्यूल बनाया गया है, ये ही किराया रहेगा, इससे ऊपर नहीं ले सकते। इसको आपको पता है साथियों, इसको फॉलो करने के लिए आरोग्य ऐप आपके मोबाइल में होना ज़रूरी है, साथ में आपको मास्क मुंह पे लगाना 100% ज़रूरी होगा, सैनिटाइज़र की बोतल आपके पास होनी चाहिए। और पहले इन डोमेस्टिक फ्लाइट में 40 मिनट तक बंदा पहुँच जाता तो चल जाता था, अब 2 घंटे पहले बंदे को पहुँचना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, अब आप बात कर लेते हैं साथियों इंटरनेशनल फ्लाइट से रिलेटेड। तो देखिए भाई, जो मंत्री साहब ने, जो उड़ीयन मंत्री साहब ने जो बयान दिया है, वो साफ साफ बोला है कि इसका हम प्रोसेस को देखेंगे, ठीक है, हमें आत्मविश्वास आया है। जैसे मिशन वंदे भारत 1 में हमने 50 फ्लाइटों का संचालन किया, अभी 2 का कर रहे हैं 150 फ्लाइटों का, तो एक आत्मविश्वास होता है कि हम ठीक है, लोगों को लेके आ रहे हैं, हमारा सिस्टम शेड्यूल सही है, तो इसको हम बढ़ा देंगे आने, यानी ये कल की डेट में ख़त्म हो जाएगा, 22 मई को भारत मिशन 2 ख़त्म हो जाएगा। तो अभी गवर्नमेंट ने 3 करना है, तो 3 में गवर्नमेंट ने साफ साफ संकेत दिए कि हम प्राइवेट हवाई जहाज हैं उनको भी शामिल करेंगे। देख सकते हैं साथियों, पहले में 50-60 फ्लाइटों का था, सेकंड में उसको बढ़ा के 3 गुना कर दिया, तो अभी 3rd नंबर पे जो पेज स्टार्ट होगा, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा बूम आएगा, आप सब लोग इंडिया पहुंच जाओगे, समझ गए बात को। तो घबराने की जरूरत नहीं है, 31 तारीख तक आप परेशान रहोगे 5-7 दिन, फिर फ्लाइटें स्टार्ट हो जाएगी बढ़िया तरीके वाली, ठीक है, तो आप सब लोग जिनको ज़रूरत है वो सब लोग पहुँच जाएंगे। अभी जो इमरजेंसी वाले हैं वो तो आ जाएंगे, फिर आप बचोगे, जिनको इंडिया आना है जो फंसे हुए हैं मजबूरी में, वो भी सब आ जाएंगे। तो उड़ीयन मंत्री ने साफ साफ संकेत दे दिया कि हम इंटरनेशनल के फ्लाइटों के, एयर इंडिया के साथ में प्राइवेट फ्लाइटें भी स्टार्ट कर देंगे इंटरनेशनल फ्लाइटों के लिए। तो ये आपके लिए बेस्ट न्यूज़ है, तैयार रहिए, 31 मई तक का वेट करें, आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद।